अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी वह चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो हो रहा होगा कि आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है सेवैयों के हवाले से। लेकिन मीठी सेवैयाँ सब लोग खाते हैं, दूध सेवैयाँ, और हम लोगों की मतलब वो ट्रेडिशन है, हम लोग ईद हो तो सुबह सुबह उसका ब्रेकफास्ट किया जाता है। लेकिन आज उसी चीज़ को हम लोग आपको नमकीन अंदाज में और एक मुनफरद और एक आसान तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। और ये कैसे बनेगी पूछते हैं मामा से। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा, ये मैंने ना एक प्याज काट लिया और घी मैंने डाल दी है, ये मैं चूल्हे पर रख देती हूँ। एक टमाटर है, ये शिमला मिर्चें हैं, एक तो बंद गोभी, ये थोड़ी सी मैंने ली काट ली, ठीक है। ये एक पैकेट सेवियों का है, ये मटर है मैंने उबाल लिए, ये आलू मैंने उबाल लिए। तो आपने इनकी मकदार कितनी कितनी, मतलब आलू कितने लिए हैं और मटर? आलू मैंने दो छोटे थे वो लिए, तो बाकी मटर अंदाजे से लिए, मतलब आधी कटोरी कह सकते हैं। हम लोगों ने मटर लिए हैं, हाँ, और शिमला मिर्च और बंद गोभी हम लोगों ने वो भी आधी आधी की पूरी। एक शिमला मिर्च ली है मैंने, ठीक है, तो थोड़ी सी बंद सी थोड़ी सी बंद गोभी ली है और टमाटर रखा हुआ आपने, ठीक है। तो आज आप जो बनाना सिखा रहे हैं वो है नमकीन सब्जी वेजिटेबल, इसको सेवैया कह सकते हैं ना हम लोग। हाँ जी, वो मजे की बनती है, आप खाओगे ना तो मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। आगे भी तो बनी है हमारे घर में कितनी। हाँ जी बिल्कुल बनी है, लेकिन हमारे व्यूवर्स के लिए मतलब एक हो सकता है कि शायद फर्स्ट टाइम वो इस तरह की चीज़ देख रहे हों कि वो इस तरह की नमकीन सेवैया बनता सीख रहे हैं। तो हम लोग फिर आज चूल्हे की तरफ देखेंगे कैसे बन रही है हमारे अपने घर, ठीक है। तो व्यूवर्स हम लोग चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ, जहाँ पर हम लोगों ने सेवैयों के लिए जो सा पहले मिक्सर, क्योंकि हमारी वेजिटेबल की ये है रेसिपी, हमने इस वेजिटेबल के साथ बनाना है तो पहले इसे कुक करना है। तो देखते हैं कि बिल्कुल मुनफरद और नए अंदाज में बनने वाली सेवैयाँ कैसे तैयार होंगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर प्याज रखनी है, इनको हमें लाइट कलर देना है, कैसा मतलब इसको करना है हल्का सा कलर देना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह सीख कर कि आप लोग इसको बना सकते हैं। बहुत ईजी है, मतलब आगे भी मम्मा बनाते हैं तो झटपट तकरीबन 5 से 6 मिनट आई थिंक लगते हैं और ये बन जाती है। तो आप लोग देखें और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो टमाटर मम्मा ने इसके अंदर डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पहले हम लोगों ने हल्का सा बिल्कुल प्याज़ों का कलर दिया है, हम लोगों ने कैसे ज़्यादा कलर नहीं दिया इसको, जस्ट हम लोगों ने इसको हल्का सा बनाया है। और एक अगर जो हमारा टमाटर है हम लोगों ने इसको शामिल कर दिया है और मम्मा उसको भून रहे हैं। तो आप लोग देखें कि कितनी आसानी से बनने वाली वेजिटेबल्स, अपनी पसंद की भी कोई और शामिल कर सकते हैं हम लोग अपने इसके अकॉर्डिंग, जैसे दिल करें, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने आप लोगों को एक रैंडमली आइडिया दे दिया है कि ये वेजिटेबल्स हैं आप लोग, दूसरे ब्लैक ही हो गई ये, देखिए ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने आप लोगों को नूडल्स भी सिखाए हुए, लेकिन ये सेवैयाँ और नमकीन और ये वेजिटेबल वाली सेवैयाँ बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। आप लोग इसको सीखें, यूनिक है, आपको बहुत मज़ा आएगा, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर इसको बना रहे हैं और वेट करते हैं कि ये जो हमारे प्याज हैं ये हो जाए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने टमाटर डाला है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग नमक फिर भी शामिल करेंगे, किस स्टेज पे करेंगे, किस तरह करेंगे और किस तरह का इसका लुक होगा और जायका, तो उसका क्या ही कहना, बहुत अच्छा है कि हम लोग अपने घर में बनाते हैं, हम लोगों ने ट्राई किया हुआ है। तो हम लोग सोचते क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए हमारी जो रेसिपी है, और वो देखें आप लोग और सीखें, क्योंकि बहुत ही ईजी है। नमक डाल दिया, ये हम लोगों ने नमक डाल दिया इसके अंदर, आधा चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। और ये तकरीबन हम लोगों ने 3 पिंचेज आप कह सकते हैं, हमने जो दादरी हुई लाल मिर्च उसको डाल दिया है, बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। और ये ज़ीरा भी हम लोगों ने डाल दिया इसके अंदर, इसी तरह से हम लोग मतलब कि हम लोग इस वजह से मसाला हम लोग तैयार करते हैं उसी तरह का सीन है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पहले मसाला ही तैयार कर रहे हैं इसका, और ये हम लोगों ने हल्दी भी डाल दी है। तो यहाँ पर जब मसाला भुना जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इस दौरान ये जो लग ना जाए। ओके, तो मम्मा ने इसके अंदर जो सी वेजिटेबल्स हैं ये हम लोगों ने मटर और आलू लिए हैं, हाँ जी, इनको डाल दिया है, इनको हम लोग मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह से। ये देखें माशाल्लाह दिखने में ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये देखें, शानदार। अच्छा तो मतलब पहले हम लोगों ने मम्मा इनको बॉईल किया हुआ ना जो हमारे मटर, हाँ, और आलू हैं, ठीक है। और ये मेन इंग्रेडिएंट जो हमारी सेवैयाँ हैं इनको हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं,
बहुत ही मज़ेदार शानदार माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार होगी ये रेसिपी, तो आप लोग इसको ट्राई करें। और मम्मा ने इसके साथ पानी भी डाल दिया है, हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पानी डालना, हिसाब से हम लोगों ने हसबी जरूर डालना है, कम मिकदार में डालना है। तो अमेजिंग साउंड, ये देखिए आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है सेवइयों की। सच्ची मामा कितनी अच्छी आवाज आ रही है, मेरा तो दिल खुश हो गया। व्यूअर्स आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी ना, कीच कीच कीच। ये म्यूजिक है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये अपना म्यूजिक है, इसमें कोई इशू नहीं बनेगा। ये देखिए मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च, ये दो चीजें हम लोगों ने ली थी। इससे पहले हम लोगों ने आलू और मटर जो लिए थे उनको डाल दिया था हम लोगों ने, और इसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा हिला लिया था, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और अब हम लोगों ने बंद गोभी और ये जौन सी है हमारी शिमला मिर्च इसको डाल दिया है। हाँ जी, चलिए अब इसे हिला के ना दम देते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी देर के दम पर रखते हैं, आपको दोबारा दिखाते हैं कि जो मज़ेदार से हमारी वेजिटेबल्स अच्छी तैयार हो रही हैं। जी तो व्यूअर्स एक मिनट इसको फाइनल हम दिखा दें, देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया, उसको दम पर रखा था और ये तैयार हो गई हैं हमारी जो वेजिटेबल सेवइयाँ हैं। देखिए माशाल्लाह खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आ रही है और दिखने भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही लग रही है। ये देखें बिल्कुल एक डिफरेंट और यूनिक हम लोगों ने आपको चीज़ सिखाई है, और ये सेवइयाँ वगैरह तो हर घर में होती हैं, हम लोग इसको दूध सेवइयाँ और मीठी सेवइयाँ तो खाते हैं, शीर खोटा वगैरह, लेकिन उसको हम लोगों ने बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में आपको बनाना सिखाया है। ये देखिए आप, ये ना कि मीठा नहीं ना कई खाते शुगर की वजह से, उनके लिए भी सही है ये, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और अगर आप लोगों ने हमारी जगह सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी जगह सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की जो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं हम लोग सिखाते रहें, और आप लोग हमारे चैनल को विज़िट करते रहें, हमारी वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोग किस तरह ये अपनी मज़ेदार सी रेसिपीज तैयार करते हैं, ये बनती हैं, आप इनको इन्जॉय कर सकते हैं। और आप सब हमें बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, इसी तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह हम लोग दोबारा नई रेसिपी के साथ आप लोगों से मिलते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।